अस्सलाम वालेकुम बतुल खाला। खाला क्या हुआ, क्या लाई आप? बुलाया था ना मैंने तुम्हें, नहीं आई ना तुम? बस मैं तुमसे नहीं बोलती, हटो। दरअसल मैं तो चाह रही थी कि आप खुद आए। हाँ बतुल खाला, नाराज मत होना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब आप नाराज होती हैं मुझसे। भाई मैमुना, तुम्हारी बेटी बहुत नखरे वाली है। अरे 10 दफा बुलाओ तो 1000 दफा नखरे करके 1 दफे आती है। मैंने शाहीन से कहा था कि खरत से कह दो मैं हलीम पका रही हूँ, आ जाए। अब ऐसे चटपटे खाने हम तो नहीं खा सकते ना, बच्चियों को ही शौक होता है मसालेदार खाने खाने का। बतूल खाला, मैं तो चाहती थी आप खुद मेरे पास आए, यूं ही देखना चाहती थी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। अकेले अकेले हलीम खाएंगी या मुझे भी खिलाएंगी? देखो तुम मेरे सामने पैदा हुई और बड़ी हुई हो, मैं तुम्हारे ऊंचे दिमाग को खूब समझती हूँ। बतूल खाला, अच्छा चले मैं बर्तन खाली करके आती हूँ। अरे बतूल आबा, आपको तो पता है इसकी आदतों का। मैंने इसे कहा भी, तुम्हारी खाला बुला कर गई हैं, चली जाओ। कहने लगी कोई दावत हो, शादी वलीमा हो तो जाती हुई भी अच्छी लगती, अब क्या मैं सिर्फ हलीम खाने चली जाऊँ? भाई तुम्हारी बेटी है ना, अपनी नाक ऊंची रखती है। हालांकि मैंने बुलाया था मगर मुझे पता था कि ये नहीं आएगी, इसलिए जैसे ही हलीम तैयार हुआ मैं फौरन इसके लिए लेकर आ गई। अच्छा कॉपियाँ चेक होगी? पता नहीं बतूला, पर आजकल तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है, घर के सारे काम काज भी इसी को करने पड़ते हैं। ठीक हो जाएगा सर।